हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्लिंग क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पर मेडिकल एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर आपके मानव नेत्र और दृष्टि दोष से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले। तो आप लोग जो है सारे क्वेश्चंस को जरूर लगाएं और जो क्वेश्चन नहीं याद है उसे जरूर याद कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो एक नेत्र का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो इसको समझेंगे और देखेंगे कि कौन सा चीज़ जो है वो कहाँ होता है। तो देख सकते हैं ये जो नेत्र का पूरा हॉल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें कॉर्निया की तो ये आपका जो कॉर्निया हो जाता है, और यहाँ पर जो आयरिस की बात करें तो कॉर्निया के बाद आयरिस हो जाता है, और आयरिस के बाद यहाँ पर जो नेत्र लेंस हो जाता है जो कि क्या होता है उत्तल लेंस का बना होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें अगर यहाँ पर जो है नेत्र के प्रवेश सॉरी प्रकाश के प्रवेश करने की या तो कॉर्निया से होते हुए यहाँ पर जैसे प्रकाश प्रवेश करता है हमारा रेटिना पर किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमारे सिलियरी मसल्स हैं जो कि क्या करता है ये जो है नेत्र जो ये लेंस है इसके आकार को यहाँ पर नियंत्रित करता है। ओके, सिलियरी मसल सिलियरी पेशे इसे कहा जाता है। ये एक्वेटिक ह्यूमर एक प्रकार का द्रव होता है, और वीएच यानी कि विट्रस ह्यूमर होता है, ये नेत्र के अंदर यहाँ प्रकार का द्रव होता है। यहाँ पर ये कोरोइड हो गया आपका। ओके, सी एच से दिया हुआ कोरोइड है। और नेक्स्ट यहाँ पर ये वाई से दिया, वाई से क्या आपका पीत बिंदु है, येलो पॉइंट है, और बी से जो है वह अंध बिंदु है, यहाँ पर ब्लाइंड पॉइंट है, और आर से आपका रेटिना है जो कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह रेटिना पर बनता है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर जो संवेदना है जो है वह जाकर के मस्तिष्क को प्राप्त होती है जिससे कि हम जो है किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये हमारा फुल जो है नेत्र का स्ट्रक्चर हुआ, और आगे हम जो है इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं और दृष्टि दोष को भी सारे क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव नेत्र में जो कैसा लेंस होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या फिर उत्तल दर्पण होता है। तो अभी हमने देखा कि मानव नेत्र में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, और जिसका नियंत्रण जो हमारे सिलियरी मसल सिलियर पेशियों के द्वारा किया जाता है, या फिर इसे पश्चमाभि पेशियां भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा कि मानव नेत्र में जो कौन सा लेंस होता है तो उत्तल लेंस होता है। हमारा वन का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामान्य आंख के रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वह कैसा होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आभासी और सीधा होता है। आभासी मीन्स काल्पनिक से यहाँ पर जो है संबंध है, और वास्तविक और सीधा होता है, या फिर वास्तविक और उल्टा होता है, और आभासी और उल्टा होता है। तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है इसके लिए हमारा एक ट्रिक है SIR। ओके, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो है एस से हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। ओके, शॉर्ट यानी कि छोटा हो गया। आई से क्या हो जाता है, आई से हो जाता है इरेक्ट हो जाता है, और आर से हो जाता है रियल। तो हमारा क्या होता है जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है उसके लिए याद रखना है सर, यह हो जाता है शॉर्ट इरेक्ट और रियल, यानी कि वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हमारा वास्तविक और उल्टा होता है, टू का जो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो हमारा जो विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तु होता है तो इसके प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए इसका जो साफ सुथरा प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है वह किसके द्वारा होता है। तो अभी हमने बताया सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है इसे, या फिर जो पश्चमाभि मांसपेशियां भी कहा जाता है। ओके, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है। तो अभी हमने देखा कि मनुष्य की आंखें जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनाते हैं जिसे कि दृष्टि पटल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा फोर का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है वह क्या कहा जाता है। तो नेत्र का वह गुण जो अलग अलग दूरी पर जो स्थित वस्तु होता है उसको फोकस करने में मदद करता है, यानी कि उसका प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनाने का प्रयास करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग जो नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ओके, तो फाइव का यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को संचारित की जाती है किसके द्वारा। यानी कि मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब तो हम जानते हैं कि रेटिना पर बन जाता है। ओके, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के बाद उसकी सूचना जो है मस्तिष्क को किसके द्वारा पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सिलियरी पेशियों के द्वारा, पीत बिंदु के द्वारा, या कॉर्निया के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी के द्वारा नहीं,
तो जो मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसकी सूचना जो मस्तिष्क को द्विक तंत्रिका के द्वारा ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो है संचारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है? तो निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है? तो निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में जो अवतल लेंस होता है, तो यहाँ पर हमारा 7 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट हो जाएगा। और निकट दृष्टि यहाँ पर दूर दृष्टि उद्देश्य वाले जो लेंस मनुष्य होते हैं उसके चश्मे में जो कौन सा लेंस होता है, तो वो हो जाता है उत्तल लेंस। तो यहाँ पर जो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है कहाँ की वस्तुओं को? तो दूर दृष्टि वाली आंख जो है साफ साफ देख पाती है दूर की वस्तुओं को, तो यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। और जो निकट दृष्टि वाली आंख होती है वह निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में जो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सामान्य आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है जिस पर नेत्र जो है वह यहाँ पर साफ साफ देख पाती है, तो वह हो जाती है 25 सेंटीमीटर। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगर स्पष्ट दृष्टि की जो है सबसे दूर बिंदु की बात करें तो वह हो जाती है अनंत हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है मानव नेत्र और इसके जो दृष्टि दोष से सारे क्वेश्चन शो कर लिए हैं और हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।